व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। डिफेंस स्क्वाड चैनल से है आज टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया। मुझे बहुत मजा आता है ऐसे वाले टॉपिक्स पे वीडियो लेके आने में ना, जो इंडिया से रिलेटेड होती है हमारी। बहुत कुछ पता लगता है हमें, रिलेटेड या कुछ भी ऐसा जो डिफेंस रिलेटेड होती वीडियो होते भाई, मजा आता है। मिलिट्री रिलेटेड वीडियोस, थैंक यू गाइस सजेस्ट करने के लिए, ऐसे ही बताते रहा करो। तो वीडियो का टाइटल टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया डिफेंस स्क्वाड चैनल से, साथ में एंजॉय करते हैं। ये हमारा गेमिंग चैनल है, रात को 10 बजे लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। तो आ जाए करो यार दोस्तों, अच्छा लगता है आप लोग आते हैं, फैमिली क्रिएट कर रहे यूट्यूब पे, अच्छा लगता है। शुरू करते हैं, 1 2 3 गो। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस कौन कौन सी हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, स्पेशल फोर्सेस मेनली स्पेशल ऑपरेशंस के लिए बनाई जाती है, और मिलिट्री की दुनिया में शायद ही कोई दूसरी यूनिट होगी जो स्पेशल फोर्स की तरह लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर करती हो। तो चलिए जानते हैं कि इंडिया की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस कौन कौन सी हैं। डिफेंस स्क्वाड, अमेजिंग। नंबर 1 पर है मार्कोस। मार्कोस इंडियन नेवी की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है, जिसे पहले मरीन कमांडो फोर्स भी कहा जाता था, जो 1987 में एस्टेब्लिश हुई थी। मार्कोस हर प्रकार की और हर वातावरण की लड़ाई में एक्सपर्ट होते हैं, और मार्कोस को समुद्री लड़ाइयों में सबसे ज्यादा सक्षम माना जाता है। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। नंबर 2 पर है पैरा स्पेशल फोर्स और पैरा कमांडोस। पैरा कमांडोस इंडियन आर्मी की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है, जो 1966 में एस्टेब्लिश हुई थी। पैरा कमांडोस भारत की स्पेशल फोर्सेस का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, और पैरा कमांडोस की ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि इस ट्रेनिंग को 90% लोग आधे में ही छोड़ देते हैं। पैरा कमांडोस दाढ़ी वाले पौंजी के नाम से भी जाने जाते हैं। दाढ़ी वाले। नंबर 3 पर है गरुड़ स्पेशल फोर्स। गरुड़ इंडियन एयरफोर्स की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है, जो 2004 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसमें करीब 2000 कमांडोज हैं। एक गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग पूरी होने में लगभग 3 साल का समय लगता है। इस यूनिट का नाम गरुड़ पक्षी के नाम पर रखा गया है। पठानकोट हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स ने गरुड़ कमांडो के 10 अतिरिक्त स्क्वाड्रन बढ़ाने का फैसला किया है पठानकोट हमले के बाद। नंबर 4 पर है घातक फोर्स। घातक इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री प्लाटून की एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्स होती है, जो दुश्मनों पर अचानक हमला करना या दुश्मनों के एयरबेस नष्ट करने जैसे ऑपरेशंस को अंजाम देने के काम आती है। हर इन्फेंट्री प्लाटून में करीब 20 घातक फोर्स के जवान होते हैं। घातक फोर्स के कमांडोज को हर तरह के एनवायरनमेंट में लड़ने की एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 5 पर है एनर्जी कमांडो। एनर्जी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनर्जी कमांडोज को ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत की सबसे प्रमुख सिक्योरिटी फोर्स में से एक है। इसका इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने और राज्य में हो रहे इंटरनल डिस्टरबेंस को संभालने के लिए किया जाता है। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसकी स्थापना की गई थी। एनर्जी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, और इसको इंडियन पुलिस सर्विस के डायरेक्टर जनरल लीड करते हैं। एनर्जी फोर्स 2 भागों में डिवाइड है, एक स्पेशल एक्शन ग्रुप और दूसरा स्पेशल रेंजर ग्रुप। एनर्जी कमांडोज दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। तो ये थी इंडिया की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव हो तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई बिल्कुल, डिफेंस स्क्वाड चैनल अमेजिंग है यार। और ये जो बताए, जो 5 स्पेशल फोर्स बताए, समझो इनकी ट्रेनिंग कितने बड़े लेवल पे होती है यार। जैसे गरुड़ की है, जैसे हमने वीडियो एनर्जी कमांडो पे बनाई, पैरा कमांडो पे, आज हमें गरुड़ के बारे में पता लगा। देखो, गरुड़ एक पक्षी के नाम पे है, और उसकी ट्रेनिंग में 3 साल लग जाते हैं। सिर्फ ट्रेनिंग में लग जाते हैं, और 2000 से ऊपर उसमें है। पैरा कमांडो की बहुत टफ ट्रेनिंग होती है। हमने एक वीडियो बनाई थी, और नाम से घातक है जो यार, वो तो नेक्स्ट लेवल होता है, क्योंकि हर एक एनवायरनमेंट में उनको लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। तो ये सोच लो कि लड़ने के लिए तैयार ऐसे नहीं होते कि बटन भाई कहते हैं कि भाई जाओ तुम रेगिस्तान में लड़ो, तुम जंगल में लड़ो। उस एनवायरनमेंट में उनकी ट्रेनिंग होती है। अब तुम सोचते हो उसी ट्रेनिंग को कितनी बार उसी एरिया में वही चीज बार बार प्रैक्टिस करते, उनको तब जाके आदत पड़ती है। ऐसा थोड़ी कि आज 2 दिन के लिए रेगिस्तान में छोड़ दिया, 2 दिन जंगल में छोड़ दिया, उससे आदत पड़ती। नहीं, वही चीज बार बार सह सह के इंसान इतना पक जाता है अंदर से और बाहर से कि भाई पूरे उससे। ये तो है, मतलब अगर आप इस किसी लाइन में जा रहे हो ना,
बहुत ये और ये मतलब दिल हाँ, दिमाग पहले तो बहुत आपको स्ट्रांग होना इंडियन एयरफोर्स या चाहिए फिर आपको बहुत क्या बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करनी पड़ेगी या मार्कोस के लिए आपको नेवी ज्वाइन करनी पड़ेगी या ज्वाइन आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसके अंदर से आप शॉर्टलिस्ट होकर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। जैसे एनएसजी आपको बनना, तो एनएसजी पैरा बनने के लिए तो आपको आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। देखिए कि नॉर्मल उसमें चलो ये हो जाता है, लेकिन आपको इसमें आपको सिलेक्शन के लिए दूसरा मौका नहीं मिलता। हाँ, देखा सिलेक्शन के लिए दूसरा इतनी सी चूक, इतना सा अनफिट किसी भी चीज को लेके, आप इनमें डायरेक्ट भर्ती और, हो सकते हैं किसी भी हाँ, फोर्स में। आपको पहले तो ए पार्ट ऑफ आप डिफेंस का होना पड़ेगा, इंडियन एयरफोर्स नेवी या आर्मी, उसके बाद आपको इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और जो ब्लैक कैट कमांडो जो कहते हैं एनर्जी कमांडो, उनको तो भाई साहब जो लेटेस्ट वेपन्स होते हैं वो, क्योंकि उनको तो टेररिस्ट अटैक में भी उनको करना होता है स्टेटमेंट। बहुत क्विक होते हैं मूवमेंट उनके, बहुत ज्यादा मतलब दिखाते हैं, समझ जाते हैं नाम ही ऐसा ना कैट, ये स्पेशल फोर्सेस ही हो गए हाँ। नाम और चाहे आप एयरफोर्स में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे आप किसी भी फोर्स में बीएसएफ में सीआरपीएफ हाँ। में हो भाई साहब, इतनी ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है ना। और भाई आप में से कोई अभी आर्मी या एयरफोर्स किसी में है या तो बताना जरूर कमेंट करके, और आपका सपना है या फिर आप तैयारी कर रहे हो तो वो भी बताना। कोशिश करते हैं आप लोग के लिए वीडियोस लाने के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होती है, थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि आपके साथ देख रहे हैं, आप भी इन्जॉय कर रहे हो, तो अच्छा लगता मतलब है। अगर कोई इस फील्ड से है, इस उससे हाँ। है, तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हाँ। हैं अगर उन्हें लगता है कि कोई ऐसी वीडियो है इन्फॉर्मेटिव हाँ, वीडियो। तो आप और किन वीडियोस पे आप सजेस्ट करते हो? आप एक चीज सजेस्ट करूंगा कि भाई आप जैसे आपको चैनल्स का पता है डिफेंस से रिलेटेड हाँ। तो आप अपनी कमेंट में चार पांच चैनल ऐसे, वन चैनल लिए, टू चैनल लिए, थ्री चैनल लिए, फोर, ऐसे आप हाँ। कमेंट कर देना, तो उन एक ही कमेंट के अंदर तीन चार चैनल के सिक्वेंस वाइज नाम हाँ, लिख दो, तो उससे आप कोशिश करेंगे और वीडियो डालने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, अच्छी लगी तो प्लीज बताना, और बिग सलूट टू इंडियन आर्मी एयरफोर्स, जितने भी स्पेशल फोर्सेज हैं, जितने भी हाँ। हमारे हम जो रियल हीरोज हैं हमारे, समझ रहे हो ना हाँ। मतलब हर एक फोर्स का नाम नहीं है, बीएसएफ सीआरपीएफ सारे, तो गाइज इनकी वजह से हम सुरक्षित हैं तभी देश। तो गाइज मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।